मुझे श्री महाराज जी का आदेश नहीं है, लेकिन दृढ़तापूर्ण में एक बात फिर कहना चाहूंगा। क्षमा करें श्री गुरुदेव महाराज, दो दिन पहले बताया था कुछ भक्तों ने महाराज जी के श्रीकांत जी महाराज जी के नाम से गौशाला का निर्माण कर किया है, जिसमें मुख्यतः हमारे बॉम्बे से पधारे हैं। नाम तो जानता नहीं, पहली बार मिले हैं श्री पांडे जी महाराज, बहुत योगदान है इनका गौशाला में। एक पहचान चिन्ह के ठाकुर जी की कृपा से श्री महाराज जी के नाम से अगर हो जाए, क्योंकि वृंदावन में श्री 1008 श्री देवादास जी महाराज ने मेरे सामने कई बार महाराज जी से आदेश भी दिया कि तुम इस आश्रम को संभालो, आदेश ही दिया और नहीं कहना चाहिए खुशामद की, और खुशामद को क्या कहते हैं निवेदन। हाँ, उल्टी गंगा बहाई, गुरु शिष्य से निवेदन किया आश्रम को संभाल लो, लेकिन वारे त्यागी पुरुष हमारे श्रीकांत जी महाराज ने कहा मुझे आश्रम आश्रम से कोई लेना देना नहीं। तो कहने का मतलब है, अगर जिनका आपका मन है उस गौशाला के लिए, मैंने बताया था जो भागवत में आज तक पैसा आता है वो या तो आश्रम को जाता है वृंदावन, या किसी गरीब की कन्या का विवाह होता है, या गरीब बच्चों को बांट देते हैं, लेकिन एक रुपया मेरे सामने तो अभी इन्होंने छुआ नहीं। ये भागवत में जो पैसा आता है ये सही जगह पहुंच जाए, इसके लिए इन भक्तों ने ये सोचा कि एक गौशाला का निर्माण हो जाए, जो असहाय अनाथ गौ हैं उनका पालन पोषण किया जाए। तो अगर आप एक रुपया भी अपने धन में से भागवत जी में दान करेंगे तो आपका वो रुपया सीधा चित्रकूट में जो गौशाला बन रही है वहां पहुंचेगा। किसी से जबरदस्ती नहीं है, भाव है, मन है, श्रद्धा है, तो और जिनकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल मत देना। कहना हमारा पर जो है मेरा खास तौर महाराज जी ने तो मन ही कर रखा है कि आप ऐसा अनाउंस, क्योंकि इनको लगता है कहीं आपको ऐसा ना लगे, महाराज जी ने एक छोटा सा मकान छोड़ दिया और वहां जाकर के महल और गौशाला बना रहे हैं, इसलिए मन करते हैं। लेकिन मैं दृढ़ता पूर्वक आपसे ये कह रहा हूँ और निवेदन, चूंकि धर्म के कार्य में मर जाऊ मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमानंद के काज में मुई तनक ना आवे लाज। अपने लिए नहीं मांगता, आपका धन आपका पैसा अच्छी अच्छी पहुंच जाए, आपका धन पवित्र हो जाए, आप मन से भजन नहीं कर सकते, तन से भजन नहीं कर सकते, ग्रस्त के बहुत झंझट होते हैं, लेकिन आप अगर भगवान के इस कार्य में जो भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराई उस गौरक्षा के लिए अगर आपका पैसा वहां पहुंच जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। वही है दलिती, वही है गंगा, बदले गंगा बारे, हो वही है दलिती, वही है गंगा, बदले सबके हाथ लहू से रंगे। ब्रह्मा अभि संसी महाराज ने कहा गौ की क्या दशा हो रही है, श्रवण सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन सुनना पड़ता है, ऐसा अत्याचार हो रहा है। उस कोमल चमड़े को हम आप पर्स बनाते हैं, सोफा सेट बनाते हैं, बैग बैग
ध्यान रखना, जो इन चीजों का उपयोग करते हैं वो भी पाप के अधिकारी हैं। अगर आप खरीदेंगे नहीं तो बिकेगा कहां से, और जब बिकेगा नहीं तो बनेगा क्या? इसीलिए चमड़े के उपकरण आप बिल्कुल ना लें। वही सब के हाथ लहू से रंगे हैं, मुख दे मन काले हो, सब के हाथ लहू से रंगे हैं, मुख दे कहीं बचाल भुलाते उसकी सौगंध खाते, कहीं सर को उठा के क्या बोले, हम घर मारती हैं, हम भमते हैं। एक बार अंचल में निमंत्रण कर दिया, जा करके देखा तो सोफा में गौ का चमड़ा लगा था। सत्य समझना, ब्रजवासियों को बहुत गुस्सा आया, कहा तुम धर्म के मार धर्मपति बने हुए हो, घर में आपके कौन गौ का जो चमड़ा है वो सोफा में लगा है, और कहते हो कि हम धर्म अधिकारी हैं। कहीं सारी कहीं बचन भुलाते किसी की अपनी आत्मा भुलाते, कहीं तेरी गंगा माँ चली हैं। प्रयागराज में जब पहुंची तो यमुना माँ पहले से ही थी, सरस्वती माँ भी। गंगा माँ जब चली तो सरस्वती और यमुना माता ने कहा मुझे भी मिला लो पहना। गंगा मैया ने कहा मिल जाओ, लेकिन इसके बाद नाम मेरा ही चलेगा। बोले ठीक है। सब नदियां मिलती गई, गंगा माँ चलती गई, नाम गंगा का ही हुआ। गंगा सागर में जब पहुंची हम महाराज, केवल वहां पर राख रह गया रहा होगा मिट्टी, उसी पे गंगा की जल पड़ी है। महाराज सागर के पुत्र जो भटक रहे थे, प्रेत बने, उन सब का उद्धार हो गया, भगवत धाम को चले गए। बोलिए गंगा मैया की जय। इन्हीं सागर के वंश में, इन्हीं भगीरथ के वंश में महाराज मूलक हुए हैं। और महाराज इन्हीं के वंश में खटवांगा दीर्घवाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग जी महाराज हुए, इनके पुत्र दीर्घबाहु हुए, इनका भी नाम दिलीप था, लेकिन भगीरथ के जो पिता दिलीप थे वो दिलीप और ये दिलीप अलग है। इनके पुत्र हुए रघु जी महाराज, रघु के पुत्र हुए अज महाराज। रघु को आप जानते हैं कितने बड़े दानी और सूरवीर थे। ये जो पुष्पक विमान रावण के पास था,
ये कुबेर का छीना था ये तो ठीक है, लेकिन कुबेर के पास भी नहीं थी ये विमान। ये विमान वास्तव में रघुजी महाराज ने कुबेर को दान में दिया था। कुबेर भिक्षुक का वेश बना के गया था तो रघु महाराज ने दान में दिया था। इसीलिए भगवान राम जब पुष्पक विमान से अयोध्या में गए, अब पढ़ना रामचरितमानस, कुबेर के पास पुनः भेज दिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पूर्वज दान दे दिए हैं उस वस्तु को अब मैं नहीं स्वीकार करूंगा। रघु महाराज इतने शूरवीर थे, रावण अयोध्या में गया था, देखा इनका चमत्कार, सरयू में स्नान कर रहे थे, ऐसे ही अभिमंत्रित करके जल ऐसे छोड़ दिया, कहते कुसा छोड़ दिया, और पता चली एक शेर मारा गया, गाय का वध कर रहा था, सरयू में स्नान कहाँ कर रहे हैं, जंगल में वध हो रहा है गाय का, ऐसे छोड़े सिंह मर गया। रावण देखने गया तो सचमुच में सिंह मरा पड़ा था। बोला इतना तेजस्वी रघु जी महाराज कि बताओ अभिमंत्रित करके कुसा छोड़ दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है। हाँ, रावण गया था ना दिव्य रूप धारण करके अयोध्या में, उद्दंडता कर रहा था, रघु जी महाराज तीन बाण छोड़ दिए थे, तो भागा था सीधे लंका में, मंदोदरी के आंचल में छिप गया था। तो स्त्रियों का हत्या कैसे कर सकता है रघु जी महाराज का बाण? हाँ, रघुवंशियों का तो वादा है, वचन है उनका, स्त्री पर, गाय पर, ब्राह्मण पर, इन सब पे शस्त्र नहीं उठाते रघुवंशी। रावण छिपर और वो बाण वहां पे लगा रहा। उसी बाण के लिए जानकी माता ने कहा है, सठ सुधि नहीं रघुवीर बाण की। याद कर उस बाण को, कैसे मंदोदरी के आंचल में छिपा था, वही रघुवंशी भगवान राम है। अभी भी उस रघु महाराज जी का अभी भी बाण तेरे लंका में है, उसी से तेरा वध होगा। सठ सुधि नहीं रघुवीर। राम जी का क्या तात्पर्य? राम जी के लिए रघुवीर का क्या कहने का तात्पर्य है? भाई रघुवीर राम जी थोड़ी थे, रघुवीर तो रघु जी थे, रघुवंशी थे, रघुवीर क्यों कहा? क्योंकि उसी बाण की याद दिला रही है कि जिसके पूर्वज से डर के मारे तू आंचल में छिप गया था। रघु जी एक राजा थे और सब साक्षात परमेश्वर उसी वंश में आया है, तो तेरा क्या होगा, कहां जाएगा? इसीलिए जानकी माता ने कहा, सठ सुधि नहीं रघुवीर बाण की। रघु जी बहुत धनी थे, इन्हीं के पुत्र हुए अज जी महाराज। राम कथा सिर्फ दो अध्यायों में है महाराज, संक्षिप्त चर्चा है केवल। तो आप लोग ये नहीं कहना कि राम कथा नहीं समझाए, क्योंकि हमें कृष्ण कथा की ओर जाना है। दो अध्यायों में सिर्फ है, हम संक्षिप्त ही बताएंगे, लेकिन थोड़ी नई चीज बता देते हैं आपको, बाकी कथा तो आप जानते ही हैं। अज जी महाराज एक